keep watching TV 786. जी हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर जवाद अहमद मौजूद हैं बरतानिया में, यहाँ पे लंदन में ये एक मेरी पहचान शो करने आए हैं जो यहाँ पे परफॉर्म्स करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं एक सिंगर होने के नाते, ना कि इन्हें सियासत से में आने का कोई लालच है और ना इनकी ऐसी बातें हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ जवाद अहमद साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आप पाकिस्तान के लिए कोई काम करते हैं, या हमने देखा है कि हम यहाँ पे जैसे जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, यहाँ इंग्लैंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी जब भी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो, कोई जलजला है, कोई सैलाब है, कुछ भी आए, तो पाकिस्तान में मतलब कि शाना बिशाना होकर लोग उनकी मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर इतना वो पैसा पाकिस्तान में इस ऐसे मौक़ों पर भेजते हैं। आप चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, जब आप कोई काम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, क्या आपके साथ कभी वहाँ पे ऐसा तावन हुआ कि आप अगर कोई काम करना चाहें, आपके इलाके के कोई MNA कोई MPA कोई भी हो, कोई चाहे कि जी जवाद अहमद ये जज्बा रखता है और ये आगे चलेगा, हम इनको सपोर्ट करें और इनको साथ लेके चलें, ऐसे लोगों को पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें, तो क्या आपकी कभी आपको ऐसी हेल्प मिली वहाँ पर? देखिए बात यह कि हम नहीं हेल्प मांगते पॉलिटिशियन से या बहुत ज़्यादा अमीर लोगों से या जो लोग ताकतवर हैं वहाँ, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गुरबत जो है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है गुरबत के होने का। तो हम समझते हैं कि आम लोगों से आपको डील करना चाहिए, आम लोगों से ही पैसे भी लेने चाहिए, और चूंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता इसलिए चैरिटी के बहुत से काम हैं जो नहीं चल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गुरबत है, इतने मसाइल हैं कि आप वहाँ पे जब किसी इंसान को मिडिल क्लास का भी कोई आदमी चैरिटी खोलता है और वो आप उसको पैसे देते हैं तो वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत सारे पैसे उसमें से अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता ही है। तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान के लोगों का जज्बा जो है वो डेफिनेटली मैं सराहता हूँ, लोग चैरिटी का कुछ भी करें, वो अच्छा करें बुरा करें, लेकिन जो देने वाले हैं, जो पाकिस्तानी मासूमियत में भोलेपन से और अच्छे दिल से जो लोग चैरिटी देते हैं, मैं उनके जज्बे को सराहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो लोग चाहते होते हैं कि इस मुल्क के अंदर लोगों की लोगों के हालात में बेहतरी आएगी उनके पैसे से। मैं उनको ये कहूँगा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम जब तक ठीक नहीं होंगे और चैरिटी लेने वाला जब वहाँ कोई नहीं मिलेगा तो इस तरह के हमें हालात पैदा करने हैं, और उसके लिए उनको शौरी तौर पे कोई सियासी तौर पे भी लोगों की मदद करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो गरीबों मजदूरों किसानों मेहनत कशों की बात कर रहे हैं, जो कि इस सियासत की बात करें जो असल में लोगों के मामलात उनकी ज़रूरियात उनके मसाइल से जुड़ी होती है। तो मैं समझता हूँ कि चैरिटी भी दें वो तो आप, बल्कि अपने हाथ से दें जाके तो ज़्यादा अच्छा है बल्कि, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम्स पोलिटिकल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें ताकि फिर लोगों को इस तरह के मसाइल दरपेश ही ना हों कि लोग उनको भीख दें और वो भीख के लिए हाथ फैलाएँ। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहते हैं जबकि आप पाकिस्तान से आएँ, यहाँ की कम्युनिटी या लोगों को कोई अच्छा मैसेज देना चाहें? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है जो UK में बैठी हुई है, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, जो पाकिस्तानी माँ बाप जिनके हैं और वो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, इवन थर्ड जनरेशन है, इंग्लैंड में तो फोर्थ जनरेशन भी हो सकता हो, तो वो सब लोग जो हैं पाकिस्तान के बारे में अगर जज्बात रखते हैं तो वो पाकिस्तानी नौजवानों के साथ इंटरेक्शन में रहें, इधर भी ब्रिटेन में भी UK में भी और पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि पाकिस्तान अगर बदलेगा तो वो यूथ के इन्वॉल्वमेंट से बदलेगा और नौजवान ही पाकिस्तान को बदलेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी रीजन के हों और इंग्लैंड में रहते हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हों, इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। Keep watching TV 786.